सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। तो यहाँ अनासक्त कर्म का प्रसंग चल रहा था। जो कर्म योगी है वो कैसे कर्म करता है? ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते स न पापेन पद्मपत्रमिव अम्भसा। तो कमल के पत्ते की तरह से वो कर्मों के फल से, कर्म से लिप्त नहीं होता है। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलै इंद्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा। आसक्ति का त्याग करके संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, आत्मा की शुद्धि के लिए सारे कर्म किए जाते हैं। हम जो भी कर्म करते हैं, साधना करते हैं, उससे कोई नई उपलब्धि हमें होगी ऐसा नहीं है। वेद में बताया ना, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। तो वो ब्रह्म भी पूर्ण है और ये मनुष्य भी, ये जीवात्मा भी पूर्ण है। हम अपने आप में ही पूर्ण हैं। तो साधना करके उसमें कुछ ऐड नहीं किया जा सकता। कुछ गुणों को हम ऐड कर दें या पाप करके उसके गुणों को लेस कर दें, ऐसा नहीं है। ना उसमें कुछ बढ़ाया जा सकता है, ना उस हमारे स्वरूप में से कुछ घटाया जा सकता है, घटता भी नहीं है। वो तो समान है, एक रस है, एक सार है, एक जैसा ही रहता है। तो फिर ये सारी साधना आदि, इनका क्या प्रयोजन है? योगाभ्यास का, ध्यान का, उपासना का, स्तुति का, प्रार्थना का, प्राणायाम का, इस सब का क्या रोल है? तो कह रहे हैं ये उस पूर्ण को अभिव्यक्त करने में, उसको सक्रिय करने में ये सहायता करते हैं। जो बांसुरी है या जो सितार है, जो वाद्य है, उसमें पहले से ही स्वर विद्यमान है कि नहीं है? विद्यमान है, विद्यमान है तो फिर बजना चाहिए अपने आप ही। विद्यमान है तो यहाँ ला के हारमोनियम रख देते हैं और उसमें से स्वर निकलने चाहिए, या उसको खोल के देखें तो स्वर मिलना चाहिए। आपने बोला कि पहले ही उसमें है। तो इस चेतन की, चेतन क्या करता है वहां? उसके अंदर कोई रिकॉर्डिंग करते तो डालता नहीं है, उंगलियां डालता है केवल। तो इसकी उंगलियों में तो कोई गीत भजन है नहीं, तो कैसे अभिव्यक्त होते हैं उसमें से? बोलता नहीं है, केवल टोन निकालता है, ये उंगली चलाता है और वहां पे टोन निकल आती है और आप पकड़ लेते हैं कि कौन से वाला भजन है। बांसुरी में सारे स्वर हैं लेकिन वो अभिव्यक्त नहीं है। हारमोनियम में स्वर हैं लेकिन वो अभिव्यक्त नहीं है। जब ये व्यक्ति उंगली चलाता है तो अभिव्यक्त हो जाते हैं। तो नया तो स्वर डाला नहीं ना उसमें, कुछ ऐड नहीं किया ना नया। ईश्वर कहाँ है? ईश्वर कहाँ रहता है? सर्वत्र है। सर्वत्र है तो हमारे अंदर भी है। तो हम ब्रह्म को लिए बैठे हैं, अभिव्यक्त क्यों नहीं होता है? जब हम ब्रह्म को लिए हैं, ब्रह्म हमारे अंदर है, तो वो अभिव्यक्त क्यों नहीं होता है? और यदि अभिव्यक्त नहीं होता है तो वो ब्रह्म किस काम का? मान लो कितना भी अच्छे से अच्छा हारमोनियम यहाँ रखा है,
जिसमें बहुत सुंदर स्वर निकालने की क्षमता है, बहुत अच्छी क्वालिटी का है, लेकिन यदि उसमें से स्वर अभिव्यक्त नहीं हो रहे हैं तो वो हारमोनियम हमारे किस काम का? किसी काम का नहीं है। हमारे अंदर ब्रह्म है, लेकिन वो ब्रह्म यदि अभिव्यक्त नहीं हो रहा है तो उस ब्रह्म का करें क्या? वो अंदर भी बाहर भी कहीं भी सब जगह है, लेकिन ना बाहर अभिव्यक्त हो रहा है ना अंदर अभिव्यक्त हो रहा है, तो क्या करें ऐसे ब्रह्म का? तो इसमें ब्रह्म का दोष नहीं है, इसमें हारमोनियम का दोष नहीं है। उसमें है तो चाहिए तो उसको निकाल लो, उसको सक्रिय कर लो। तो सक्रिय कैसे होता है? जब उसके ऊपर उंगली चलाएंगे, और उंगली भी किसकी चलनी चाहिए? किसी एक्सपर्ट व्यक्ति की चलनी चाहिए, जिसको चलाना आता ही नहीं है और वो उल्टी सीधी उंगलियां चलाएगा तो उससे अच्छा तो शांति ठीक था हारमोनियम, फिर कम से कम दूसरों को कष्ट तो नहीं हो रहा था, तो उससे अच्छा तो वही ठीक था। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको एक्सपर्ट बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास। इसलिए जो बहुत अच्छे सिंगर हैं, बहुत अच्छे वाद्यक हैं, बजाने वाले, वो क्या करते हैं? सुबह 3-4 बजे उठ के 2-3 घंटे अभ्यास करते हैं, सुबह सुबह सरस्वती की उपासना करते हैं। वो गाने वाले गाने का अभ्यास करते हैं, वोकल वाले, इंस्ट्रूमेंट म्यूजिक वाले इंस्ट्रूमेंटल प्रैक्टिस करते हैं, वो उनको बजाने का अभ्यास करते हैं। वीणा जिनको सीखनी है, जो वीणा वादक हैं, सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके 3-4 बजे, मैं देखती थी हमारे वहाँ शांति धाम गुरुकुल में थे एक, तो वो 4 बजे उठ के वीणा बजाते थे। वो कहते थे ब्रह्म मुहूर्त में सरस्वती माता की ज़्यादा कृपा होती है, तो फिर इतने सुंदर स्वर उससे निकाल देते थे वो। हम जो बोल रहे हैं, मुख से जो बात कर रहे हैं, वो भी वो उसके माध्यम से निकाल देते थे, इतने ज़्यादा वो उसके वो थे, मास्टर थे। तो जो जिस विषय का मास्टर है उसको क्या करना पड़ता है? अभ्यास। वीणा वाले को वीणा का, हारमोनियम वाले को हारमोनियम का, गाने वाले को गाने का, वो गाता है 2 घंटे। और जो योग का मास्टर है उसको योग करना पड़ता है। तो स्वामी जी को कितने वर्षों से हमने देखा, एक दिन भी मिस नहीं करते हैं। तो रोजाना क्या करते हैं? शिविर हो या ना हो, योग का अभ्यास। जब 2 घंटा रोजाना करते हैं तब वो मंच पे इतना कर पाते हैं। यदि वो ऐसे सोचें कि आज तो शिविर नहीं है, चलो आज तो आराम से सो लेते हैं, तो फिर मास्टर थोड़ी बन पाएंगे, फिर योग ऋषि नहीं बन पाएंगे ना। तो जितने भी उसके कोई खिलाड़ी है, जिस समय मैच नहीं हो रहा है तो उस समय वो सोता है क्या? उस समय भी प्रैक्टिस करता है वो रोजाना कम से कम 2-3 घंटे। जो ये अभिनेता हैं, जिनको कोई अभिनय करना है और उस अभिनय के लिए उनका वैसी वॉइस होनी चाहिए, वैसा बॉडी का स्ट्रक्चर होना चाहिए, तो उसकी वो रोजाना क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं रोजाना। वही खाना है, जिस समय अभिनय नहीं है उस समय भी अभ्यास करते हैं, वैसी एक्सरसाइज करते हैं, वैसा ही आहार लेते हैं। ऐसे नहीं करते कि चलो आज तो अभिनय तो है नहीं तो आज तो खूब सारा खा लेते हैं, तला भुना खा लेते हैं, नहीं खाते हैं बिल्कुल भी। आज तो एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, नहीं छोड़ते हैं, करते हैं नियमित रूप से, क्योंकि उनको उसको अभिव्यक्त करना है, अपनी प्रतिभा को, उसका मास्टर बनना है उनको। तो जिसको अपने अंदर ये स्वामित्व लाना है, आध्यात्मिकता का किसी को स्वामी बनना है कि मेरे अंदर ब्रह्म है लेकिन उस ब्रह्म को मुझे अभिव्यक्त करना है, सक्रिय करना है, तो क्या करना पड़ेगा? अभ्यास। और वो अभ्यास नित्य करना पड़ेगा और निरंतर करना पड़ेगा। सेतु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो। वो अभ्यास कैसे करना पड़ेगा? दीर्घकाल, लंबे समय तक। 1-2 साल अभ्यास करके भी कोई मास्टर नहीं बन जाता है। स्वामी जी को योग ऋषि बनने के लिए कितने साल अभ्यास करना पड़ा? 40 साल तक, तब उनको आज ये है कि योग ऋषि कहते ही उनका चित्र सामने आएगा। तो दीर्घ काल और नैरंतर्य, निरंतरता उसमें, ऐसे नहीं कि बीच बीच में छोड़ दें।
सुबह सुबह 1 घंटा तो हमने हमारे मन पूरे अस्तित्व से ब्रह्म जैसा आचरण अभिव्यक्त हुआ, और फिर दिन में हमारे माध्यम से अब्रह्म जैसा आचरण, असुर जैसा आचरण अभिव्यक्त हुआ, तो फिर नैरंतरीय टूट गए ना, तो नैरंतरीय दीर्घकाल नैरंतरीय और सत्कारा से भी तो उसमें किसी के लिए है ही नहीं वो चीज़, तो किसी पे क्या एहसान करना, किसी को क्या दिखाना। अगर मैं सत्य की खोज में हूँ तो दूसरों के आचरण व्यवहार को सहन करना ये उसके लिए नहीं मेरे लिए है, तो फिर व्यक्ति उसमें बोझिल नहीं होगा, हल्का रहेगा। नहीं तो व्यक्ति सोचेगा इनको कितने दिन तक सहन करूं, कितने समय तक इनसे इरिटेट ना हो, क्योंकि वो कितने समय का इसमें काउंटिंग ही नहीं है, क्योंकि वो मेरे लिए है। तो हम ये नहीं सोचते ना कि कितने दिन तक श्वास लूं, कितने दिन तक श्वास लूं, जब तक जीना है तब तक श्वास लूं, क्योंकि वो श्वास ही मेरे जीवन का आधार है। तो श्वास की काउंटिंग करते हैं क्या कि कितने दिन श्वास लूं, नहीं करते हैं। तो ऐसे ही हम किसी के भी प्रति करुणा का, प्रेम का, क्षमा का, सहनशीलता का ये जो व्यवहार करते हैं, तो उसकी ये जो साधक है ये कभी काउंटिंग नहीं करता है, क्योंकि ये वो अभ्यास कर रहा है। कौन सा अभ्यास कर रहा है? ब्रह्म को अभिव्यक्त करने का, क्योंकि ब्रह्म तो है, मेरे अंदर भी है, ईश्वर बाहर भी है अंदर भी है, ऐसे बोलते तो हैं हम, है तो अभिव्यक्त होना चाहिए। ईश्वर ज्ञानी है तो मेरे माध्यम से भी कैसा आचरण होना चाहिए? ज्ञान का ही होना चाहिए, अज्ञान का नहीं होना चाहिए। लेकिन ज्ञान का ही तो हमेशा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वैसे प्रैक्टिस नहीं की हमने। हारमोनियम तो है, उससे स्वर क्यों नहीं निकलता है नए आदमी से? क्योंकि नए आदमी ने उसके स्वर निकालने की प्रैक्टिस नहीं की। तो ब्रह्म सबके अंदर है, लेकिन वो ब्रह्म अभिव्यक्त किसके माध्यम से होता है? ऋषियों के माध्यम से वो अभिव्यक्त होता है, महर्षि पतंजलि के माध्यम से, पाणिनि के माध्यम से, महर्षि दयानंद के माध्यम से, भगवान बुद्ध के माध्यम से, भगवान महावीर के माध्यम से, उनके माध्यम से अभिव्यक्त हो रहे हैं ना ब्रह्म। क्यों? क्योंकि उन्होंने वैसी प्रैक्टिस की है, हर पल उन्होंने वैसा अभ्यास किया है कि जैसे उनके माध्यम से ब्रह्म ही अभिव्यक्त हो रहा है, और ऐसा अभ्यास करते 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 वो वैसे ही बन गए। फिर उनके लिए बिल्कुल सरल हो गया। आज स्वामी जी के लिए दंड लगाना कैसा हो गया? सहज हो गया, सरल हो गया। और बिल्कुल नए व्यक्ति के लिए वो दंड लगाना बहुत कठिन है, आएगा ही नहीं, कठिन क्या, असंभव है। पहले दिन तो उसको लगेगा कि कभी व्यक्ति ऐसे दोनों हाथों पे भी उल्टा खड़ा हो सकता है क्या? पहले दिन तो असंभव है ना उसके लिए। तो ये जो अनासक्त होकर के कर्म करना जो योगी का लक्षण बता रहे हैं यहाँ गीता में, तो पहले दिन व्यक्ति को क्या लगता है कि कभी ऐसे भी पॉसिबल हो सकता है कि कर्म में कोई आसक्ति ना हो और कर्म हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? तो क्योंकि इसने अभ्यास ही नहीं किया कभी भी ऐसा, तो इसके लिए तो इम्पॉसिबल जैसे ही होगा। फिर करने की कोशिश करेगा तो फिर सेकंड स्टेज में ये महाकठिन होगा, लेकिन करते करते यदि अभ्यास हो गया तो सहज हो जाएगा, सरल हो जाएगा। फिर जैसे कि इस व्यक्ति के लिए वीणा में से स्वर निकालना सहज हो गया, हारमोनियम में से स्वर निकालना सहज हो गया, इस व्यक्ति के लिए दंड बैठक लगाना सहज हो गया, इस व्यक्ति के लिए अभिनय करना सहज हो गया, तो अभ्यास से क्या नहीं हो सकता है? तो ये संभव है अनासक्त होकर के कर्म करना, किसी भी चीज से निर्लिप्त रहते हुए उसका प्रयोग करना, ये असंभव नहीं है। तो ये हमें सिखा रहे हैं भगवान कृष्ण, अर्जुन को माध्यम बना करके हमें सिखा रहे हैं कि हमें कैसे कर्म करने हैं। तो ये बता रहे हैं संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, आत्मा की शुद्धि के लिए ये जितने भी अभ्यास हैं वो तो ब्रह्म तो अपने आप अभिव्यक्त हो जाएगा। करना क्या क्या है?
अशुद्धि को हटाना है। अग्नि तो है पहले से ही, उसके ऊपर जो राख आ गई उसको फूक मार के हटाना है, वो तो अपने आप ही अभिव्यक्त हो जाएगा, वो तो है ही, उसमें कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है, उसमें से कुछ लेस भी नहीं हुआ है कि जी करोड़ों वर्षों से हम ऐसे अज्ञान में चलते चलते आ रहे हैं तो थोड़ा कम हो गया होगा, कम नहीं होता है, वो तो वैसा का वैसा ही है। तो ये हमें उसकी युक्ति बता रहे हैं, युक्त है कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम। और इस प्रकार से युक्त होकर के, युक्त होकर के माने अनासक्त होकर के, आसक्ति को छोड़ करके जो कर्म करता है ये कर्म योगी, यहाँ युक्त का मतलब है कर्म योगी, ऐसा ये जो कर्म योगी है यह है कर्म फलम त्यक्त्वा नैष्ठिकीम शांतिम आपनोति। एक बार आसक्ति छोड़ना ये ट्रिक यदि व्यक्ति को आ गई तो फिर ये व्यक्ति नैष्ठिकीम शांतिम आपनोति, शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है। नैष्ठिक मतलब शाश्वत, सदाकाल के लिए, सदाकाल के लिए शांति को प्राप्त कर लेता है। तो ये है ना ढूंढने की चीज कि क्या कोई ऐसी भी विद्या है इस मनुष्य के लिए संभव है कि जिसके माध्यम से एक पल के लिए भी इसका मन अशांत ना हो। तो कितनी बड़ी खोज है ये, और वो खोज ऋषियों ने कर दी और वो हमारे लिए दे दी। अब मतलब हमें इस कन्फ्यूजन में नहीं रहना कि कोई ऐसी भी विद्या होती है क्या, वो तो है, वो इन्होंने खोज दिया, और उसको कैसे हमें साधित करना है वो तरीका भी बता दिया। अब हमें केवल क्या करना है, केवल प्रैक्टिस। अब आपको ये खोजने की जरूरत नहीं है कि क्या कोई ऐसा भी इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जिसमें से स्वर निकलें, वो तो खोज हो गई और वो बना के भी दे दिया और उसका विधान भी बता दिया, इस स्वर में यहाँ सा है, यहाँ रे है, सा रे गा मा पा धा नी, ऐसे सातों स्वर भी बता दिए, ये हैं। अब उसमें से निकालने की केवल प्रैक्टिस करनी है, केवल अभ्यास करना है। तो ये ऋषियों ने तो बता दिया कि आप कैसी शांति को यदि प्राप्त करना चाहते हैं, नैष्ठिक शांति को, शाश्वत शांति को, तो आपको क्या करना है, अनासक्त होकर के कर्म करने का अभ्यास करना है। और जब अनासक्त होकर के कर्म करने का अभ्यास करेंगे तो किसी भी फल की इच्छा हमें नहीं होगी, क्योंकि अभ्यास हम क्या करेंगे, कर्म मैंने किया ही नहीं, कर्म किसने किया, शरीर ने किया। शरीर क्या है, प्रकृति, त्रिगुण से बना हुआ, पंचभूत से बना हुआ, तो गुणों से गुणों में बरता गया, जो कर्म किया वो भी क्या है, गुण का ही रूप है, त्रिगुण का ही रूप है। तो मैं तो इनसे अलग था ना, मैंने कुछ किया ना मैंने किसी से कुछ करवाया, तो फिर मुझे अब उसके बदले में क्या मिलेगा ये सोचने का भी हक नहीं है, जब मैंने किया ही नहीं तो पाने का हक भी नहीं है ना मुझे। तो ये जब अभ्यास हो जाता है व्यक्ति का तो फिर वो तो शांति में ही रहेगा, जब ना मैंने कुछ किया ना मैंने कुछ करवाया तो अब मैं अपेक्षा भी क्या करूं किसी से, तो वहां व्यक्ति शांति रहता है ना। आप तो क्रिकेट मैच को देखने गए थे, आपने ना क्रिकेट मैच खेला ना किसी से खिलवाया, तो आप कैसे देखोगे उसको, तटस्थ होके देखोगे ना, जो भी दिख रहा है उसको देख रहे हैं तटस्थ होकर के बस हम, और अभ्यास नहीं है तो वहां भी कहीं ना कहीं लिप्त हो जाएंगे, वहां भी कहीं ना कहीं राग द्वेष बन ही जाएगा, क्योंकि चित्त का अभ्यास ऐसा है ना, तो तुरंत व्यक्ति अटैच भी हो जाता है बिल्कुल अनजान लोगों से। आप बिल्कुल अनजान लोगों के बीच में गए हैं, उनका कहीं आप मैच देख रहे हैं और थोड़ी ही देर में वहां दो पक्ष आपस में मैच लड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, थोड़ी ही देर में आप किसी एक पक्ष का पार्ट बन जाओगे, तो उसको जब मार्क्स मिलेंगे तो आप ताली बजाओगे और दूसरे को मिलेंगे तब आप ताली नहीं बजाओगे थोड़ी देर में। क्यों, क्योंकि चित्त का हमने वैसा अभ्यास बना रखा है थोड़ी देर में किसी चीज से लिप्त होने का, तो हम भूल ही जाएंगे कि हम तो यहाँ तमाशा देखने आए थे केवल। ये सारी अभ्यास की ही महिमा है। आप बिल्कुल अनजान, जैसे यहाँ पढ़ करके जो भाई बहन जाते हैं ना संगठन में काम करने के लिए जाते हैं, अनजान लोगों के बीच में जाते हैं बिल्कुल, उनका
जाने से पहले उनसे कोई संबंध नहीं, ना जानते हैं ना कोई पहचान है, कुछ नहीं है। और जाने के एक दो महीने, अब वहाँ जाते हैं तो वहाँ दो ग्रुप मिलते हैं, एक इनका एक इनका, और वो थोड़े ही दिन में किसी एक ग्रुप का ज़्यादा पक्ष लेने लग जाते हैं और किसी दूसरे ग्रुप की हमेशा त्रुटियां ढूंढने लग जाते हैं, किसी एक का पार्ट बन जाते हैं। ये ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हमने अपने चित्त का ऐसा अभ्यास बना लिया वर्षों से आसक्त होने का, वो कहीं ना कहीं जो उसको अच्छा लगता है वहाँ वो आसक्त हो जाएगा। उस आसक्ति को तोड़ने का अभ्यास हमने नहीं किया। जिस समय आप अपने घर से निकल के आए थे, आप पतंजलि योगपीठ में कौन लोग रहते हैं, कैसे हैं, आपको कुछ पता नहीं था, कोई पीछे का उनके साथ कोई संबंध नहीं आपका, और थोड़े ही दिन में एक दो महीने में ही कुछ लोगों से अटैच होते हैं, कुछ से डिटैच हो जाते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि ये हमारे चित्त ने, हमने ऐसा अभ्यास बना रखा है, और फिर उनके हक में कुछ होता है तो अच्छा लगता है और दूसरे के हक में होता है तो अच्छा नहीं लगता है, और जिनको हम पसंद नहीं करते उनको कभी डांट पड़ती है तो अच्छा लगता है, और जिनको हम पसंद करते हैं उनको कभी डांट पड़े तो बुरा लगता है। तो ये सारा क्या है, क्यों होता है मेरे अंदर? अभ्यास के कारण। मैंने वैसा ही अभ्यास किया अपने चित्त को यूज करने का। तो इस अभ्यास को हमें तोड़ना है। इसको तोड़ने के लिए संघर्ष नहीं करना है, ये तो अपने आप ही टूट जाएगा। करना क्या है? जो अभ्यास हमें चाहिए उसका हमें अभ्यास करना है। जैसा हमें यूज करना चाहिए था चित्त, उसको वैसा यूज करने का अभ्यास करना है। तो जैसे वो अभ्यास दृढ़ होगा तो ये तो अपने आप ही हट जाएगा। तो इसके साथ लड़ने की आवश्यकता नहीं है। कभी भी दुर्गुणों के साथ या आसक्ति के लिए संघर्ष करने की, हटाने की आवश्यकता नहीं है। आसक्ति को हटाने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है, अनासक्ति का अभ्यास करना है। एक ही है लेकिन एक होते हुए भी बहुत अलग है। लहरों से लड़ने का अभ्यास नहीं करना है, लहरों के पार कैसे छलांग लगाई जाती है उसका अभ्यास करना है। दोनों एक ही लगते हैं लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। उससे लड़ते रहे तो जीवन भर लड़ते ही रहोगे, वो कभी भी पॉसिबल नहीं है उसको हराना। और ये अभ्यास किया तो वो अपने आप ही आप उसको हरा पाओगे जब आप पार चले गई। तो उन लोगों के साथ संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है जो व्यवहार आप नहीं चाहते हो। जो चाहते हैं हम उसका अभ्यास करने की आवश्यकता है। आलस्य से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, पुरुषार्थ करना शुरू कर दें बस। तो भाव फिर वैसा ही पैदा होता है ना, उपलब्धि तो वही होगी, आलस्य चला जाएगा, पुरुषार्थ जागृत हो जाएगा। लेकिन हमारे चित्त में जो भाव पैदा होते हैं, वाइब्रेशंस पैदा होते हैं, संघर्ष करेंगे तो नेगेटिव भाव पैदा होंगे, और उसको तटस्थ छोड़ करके पुरुषार्थ करेंगे तो पॉजिटिव भाव पैदा होंगे। तो वो हमारी ताकत है फिर, पॉजिटिव भाव पैदा होना, पॉजिटिव वाइब्रेशंस पैदा होना, ये ही हमें सिखा रहे हैं ये। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांतिम आप्नोति नैष्ठिकीम्, अयुक्तः कर्म कारेण फले सक्तो निबध्यते। तो ये फल में आसक्त है तो बंध जाएगा, और फल में अनासक्त है तो नैष्ठिक शांति को प्राप्त करेगा। आगे आगे बोलिए। सर्व कर्माणि मनसा सन्यस्यास्ते सुखं वशी, नवद्वारे पुरे देहि, नैव कुर्वन्न कारयन्, न कर्तृत्वं न कर्माणि, लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्म फल संयोगम्, स्वभावस्तु प्रवर्तते, नादत्ते कस्यचित् पापम्,
न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ज्ञानेन तु तदज्ञानम् येषां नाशितमात्मनः तेषाम् आदित्यवज्ज्ञानम् प्रकाशयति तत्परम्। तो ये कह रहे हैं सर्व कर्माणि मनसा सन्यस्यः ते सुखम वशी। तो कह रहे कर्म छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। जो ज्ञान योगी हैं वो कहते हैं कि सब कर्मों को छोड़ो। भगवान कृष्ण बता रहे नहीं, कर्म छोड़ने की जरूरत नहीं है, कर्म करो, कर्म तो करना ही है, कर्म को छोड़ भी नहीं सकते हैं। छोड़ना क्या है? मन से उन कर्मों के प्रति जो आसक्ति है उसको छोड़ना है। तो सारा पुरुषार्थ कहाँ करना है? मन में करना है। बाहर कर्म छोड़ना नहीं है, बाहर नहीं करना पुरुषार्थ। बाहर जो भी कर्म कर रहे हो वो करते रहो, वैसे ही करते रहो, जो भी आपके वर्ण आश्रम के अनुसार जो भी आपके कर्तव्य कर्म हैं। आप गृहस्थी हैं तो अलग कर्तव्य कर्म हैं, आप ब्रह्मचारी हैं, वानप्रस्थी हैं, सन्यासी हैं, जो भी आपके कर्म हैं उनको छोड़ने की आवश्यकता नहीं, वो सब करो। छोड़ना कहाँ है, पुरुषार्थ कहाँ करना है? मनसा सन्यस्याः, मन से जिन्होंने सन्यास लिया है, अर्थात मन से जिन्होंने आसक्ति को छोड़ा है, बाहर से छोड़ने की जरूरत नहीं है। सर्व कर्माणि मनसा सन्यस्याः, सब कर्मों की आसक्ति को जिन्होंने मन से छोड़ दिया, बाहर से नहीं छोड़ा, ते वशी सुखम आस्ते, वे ऐसे अपने मन को वश में करने वाले, वशी मतलब मन को वश में करने वाले, सुखी आस्ते, वो बड़े सुख से रहते हैं। मन से जिन्होंने आसक्ति को छोड़ दिया ऐसे अपने मन को इंद्रियों को वश में करने वाले योगी सुखम आस्ते सुख से रहते हैं। नवद्वारे पुरे देही, ये जो नौ द्वार वाली जो पुरी है, पुरी मतलब नगरी को कहते हैं, तो ये शरीर भी अपने आप में एक नगरी जैसे ही है ना, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इस शरीर में रहने वाले को पुरुष कहते हैं। पुरुष मतलब पुराम शेते इति पुरुष, पुरी में जो शयन करता है, जो रहता है, सोता है। तो यहाँ पुरुष का मतलब मेल फीमेल नहीं है, पुरुष का मतलब आत्मा, जो इसमें रहता है वो सब कौन है? पुरुष है। तो कहा इसको नव द्वारे पुरे, इस नौ द्वार वाली पुरी में, इस शरीर में, नौ दरवाजे वाले इस शरीर में देही, ये जो आत्मा है, एक हो गया देह और देह में रहने वाला देही, तो ये जो आत्मा है देही है, ये नैव कुर्वन न कारयन, ना तो ये कुछ करता है ना तो ये किसी से कुछ करवाता है, निष्क्रिय है ये, इंद्रियां करती हैं, गुण करते हैं, गुणा गुणेशु वर्तन्ते। तो ऐसा जब ये जान लेता है ना मैं कुछ कर रहा हूँ ना मैं किसी से कुछ करवा रहा हूँ, तो ऐसे अपने मन को अनासक्त करके और अपने मन को वश में करके फिर इस देह में रहने वाला ये देही, इस पुरी में शयन करने वाला ये पुरुष वशी सुखम आस्ते, अपने इंद्रियों को वश में करके, मन को वश में करके सुख से रहता है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, प्रभुः उस प्रभु ने, उस परमात्मा ने, उस स्वामी ने लोकस्य लोक का न कर्तृत्वम सृजति न कर्माणि सृजति, ना तो इसको लोक का कर्ता के रूप में सृजन किया। लोकस्य कर्तृत्वम न सृजति, ये व्यक्ति तो क्या सोचता है, इस मकान का कर्ता मैं हूँ, मैंने बनाया ये मकान, और इस डिग्री का कर्ता मैं हूँ, ये पढ़ाई मैंने की, इस घड़े का कर्ता मैं हूँ, ऐसे मानता है ना अपने आप को, हर काम का कर्ता मानता है। इस बाग को किसने बनाया? मैंने बनाया, इसका माली मैं हूँ, इसका कर्ता मैं हूँ। तो कह रहे हैं भगवान ने इस व्यक्ति को ना तो कर्तृत्व के रूप में सृजन किया है, कर्ता के रूप में इसका सृजन नहीं किया, कर्ता वो है सबका,